एक मिनट का तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई भी उसे अपने ऊपर ना ले यहाँ जितने भी बैठे हैं। देखो ये आम की डाली है, आम की डाली या कोई भी फल है, उसे छोड़ो, चलो इस पर कोई फल लग रहा है, और फल जो होते हैं ना वो गुच्छों में होते हैं, कोई भी फल समझ लो, अरे अंगूर समझ लो, कोई और समझ लो, कोई भी फल है, ये गुच्छे में है, मतलब एक साथ रहते हैं ऐसे समझ लो। अब इनमें से, इनमें से, अरे सुनो, इनमें से कोई एक खराब होने लगे, एक फल कोई सड़ने लगे, सुनो बहुत सारे फल हैं, उनमें से कोई सा एक फल जो है वो सड़ने लगे, ये बहुत साफ सुथरे इनमें कुछ नहीं लगा, तो पता क्या एक एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन बाद ना ये भी धीरे धीरे सड़ने लगेंगे। इफेक्ट होता है, क्रियाएं होती हैं, कोई जीवाणु एक दूसरे के अंदर जाने लगते हैं। तो जी इसमें तरीका यही है, या तो ये फल खुद ही हट जाए तो बच गए, या वैसा वीजा हटा दें तो बच गए, और अगर जो इसके साथ रहेंगे तो ये तो जाएगा जाएगा, सड़ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक सड़ेंगे, सर दुनिया की कोई पावर नहीं बजा सकती, ये प्राकृतिक क्रिया है, ये ऑटोमेटिक है। ऐसे ना, ऐसे देखो, सर ऐसे हमारे पास बहुत सारी तिल्ली रखी हैं, सब टच है, यहाँ आग लगा दो, ये सब टच है आपस में, यहाँ आग लगा दो, सारी जल जाएंगी। अब बाकी तिल्ली बचाने का तरीका यह है कि इनमें से किसी एक तिल्ली को एक अकलमंदी का काम करना चाहिए कि एक हट जाए, पीछे को हो जाए थोड़ी सी, पीछे को हो जाए, पीछे को, जब आग जलती ना ऐसे, तो क्या होगा, ये तिल्ली जलने से बच जाएंगी। अब जला दो, लो यहाँ नीचे आ गई और पीछे, तो भी जल जाएंगे, जला के दिखा देना, नहीं जल सकती ये, अबे ये साइंटिफिक प्रूफ है, बात का कारण समझ वाले समझ गए, संगत का असर होता है, अगर जो संगत तुम्हारी सड़ी गली है तो संगत को छोड़ दो। हाँ क्या करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाओ, अरे आवाज नहीं आई, अबे चुप जाओ यार, हाँ जी बताओ, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो तुमने बता दिया उसका जवाब, समझे नहीं यार क्या बात है, पहली बात तो क्वेश्चन समझना है, आंसर तो तब बताएं। अच्छा कहने का मतलब ये था कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे दिया है तो उसमें संगत का क्या असर हुआ, ये तो कह रहा हूँ कि संगत सही है जो जवाब दे दिया तो, हाँ अच्छी संगत अच्छी बातें सिखाती है, बुरी संगत सिखाती है। आप सुनो सर, जो संगत होती है ना, जो बुरी संगत होती है उन्हें कभी नहीं दिखाई देता कि हम बुरे हैं, उन्हें हमेशा अच्छा लगेगा कि हमसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ही है बस, और जो आस पड़ोस वाले हैं उन्हें दिखाई देगा, उन्हें छोड़कर बाकी को, जैसे खुद कभी भी अपने आप को चोट नहीं लगती है, कभी खुद किसी को खुद को गुलगुली नहीं लगेंगी, तो ऐसे ही खुद को भी सुनो बुद्ध नहीं लगती अपने आप से, अब सुनो, अब इनका क्वेश्चन ये है कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, समझ गए, अब तुमने, अब सुनो, जब वो कमल खिल गया, जब वो जॉब पे लग गया, जब उसके सेट हो गया, तब तो लोगों को दिखाई दे रहा है कमल खिल गया कीचड़ में, जब वो कीचड़ में से निकल रहा था उस टाइम ना देखा गया क्या क्या परेशानी, कितनी बदबू से निकल रहा होगा, कितनी परेशानी से जूझना पड़ रहा होगा उसे, कैसे कीचड़ में वो रह रहा होगा, कोई बात नहीं। अबे अगर कुछ लोग अपने आप को कमल समझ रहे हैं तो एक बात देख लो, बाद में कमल खट्टे निकलेंगे, अभी कमल समझने की गलती करो कर लो,
बाद में कोई गेंदे का फूल निकलेगा, हाँ कोई बाद में सड़ा गला, कोई धसा सड़ गया, कोई धसा टूट गया, और किसी की गर्दन टूट पड़ी होगी, कोई कहीं होगा, और ख्वाब देखेगा कि मैं पत्थरों पर चढ़ूंगा, मतलब उसमें देवी देवताओं पर चढ़ूंगा, बाद में सड़कों के किनारे पड़ा होगा, और बच्चे उसमें मार मार के ढेले मार मार के खेल होंगे, समझ गए जी। तो संगत का असर ही पड़ता है, बिना संगत के कुछ नहीं हो सकता। आज वैसा